Hi everybody, welcome to IBR. Well, I'm not feeling well today, you guys. You know, I'm having a little bit of a vertigo, and I came to know that I'm having it because, you know, I'm feeling very cold. Like, my body is feeling very cold, which is why I'm having a little bit of vertigo. So yeah, I really wanted to film this video for y'all. I'm just so sorry. I just put some lipstick, no makeup. So this is my pure bare skin, as you guys can see, with nothing on it. Absolutely nothing. You can see the redness, little bit of pigmentation, some scarring, whatever. Anyway, so I just wanted to get that out of the way. I am not feeling well. My head is spinning. It's spinning, but I want to do a haul for y'all. Imagine the motivation, you know, how much I feel like talking about makeup, you know, and how much new makeup excites me. So over this past year, जिनको नहीं पता है, मैं pregnant थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा sick थी. उसके बाद मेरा cesarean हुआ, तो वो उसके बाद भी मैं थोड़ा सा मुझे problem रही. ठीक हो गया फिर वो, यू नो, अब आई थिंक 7 मंथ्स हो चुके हैं. सो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के लिए आई वॉज आउट ऑफ टच ऑफ माई चैनल. तो मैं धीरे धीरे वापस आना चाहती हूँ. अभी भी यू नो मेरी डॉटर पीछे सो रही है. सो दिस इज़ माई रूम जहाँ मैं और मेरी डॉटर प्रैक्टिकली हम लोग रहते हैं. तो ये थोड़ा सा वो बैकग्राउंड था. मुझे पता है मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ, बट जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाह रही हूँ, या जो मेरे चैनल में न्यू हैं, यू नो, कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ. तो ऑलमोस्ट 2 साल, मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गए होंगे, यू नो, जब से मैं रेगुलर नहीं हूँ. तो अब मैं मेरे ख्याल से शुरू कर सकती हूँ. और चलिए मैं बताती हूँ. मेरी कज़न है, एक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारी निकली हैं वो. क्योंकि मैंने उनसे एक बार कहा, वो यूनाइटेड स्टेट्स में थी अपने किसी काम के सिलसिले में, और मैंने उनसे सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करी कि मेरे लिए कुछ आप प्रोडक्ट्स ले आएँ. तो वो मेरे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आई हैं, जिसमें से ये कलर पॉप लिपस्टिक्स की जो मैं आप ही हॉल कर रही हूँ, ये वीडियो में है. और अगली वीडियो में मैं बाकी स्टफ़ का हॉल करूँगी. तो गाइस, किसी ने मुझे बोला आप या तो हिंदी में करें या आप इंग्लिश में करें. अब क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है इंडिया में, मैं इंग्लिश में ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये आई थिंक उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कि बाहर है, मे बी प्रोबेबली, और या फिर जो मेट्रोज में हु कैन गेट होल्ड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, यू नो, फ्रॉम ऑनलाइन सेलर्स एंड ऑल. मैं इंग्लिश में बात करती हूँ इस वीडियो में, ओके. कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, वो कहते हैं या तो आप हिंदी में बोलें या इंग्लिश में. इस वीडियो के लिए आई चूज़ टू टॉक इन इंग्लिश. सो ओके, आई एम गोना शो यू द प्रोडक्ट्स फर्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शी गॉट मी दीज कलर पॉप लिपस्टिक्स. इसका गाइज, इसका कार्टन कहीं मैंने खो दिया है. तो ये है कलर पॉप के 4 लिपस्टिक्स जो मेरी कज़न लेके आए हैं. इसका कार्टन वाइट था और इसका कार्टन मिंट ग्रीन कलर का है. तो आई थिंक उन्होंने ये चेंज अप किया है कलर पॉप वालों ने. तो ये है शेड, मैं आपको शेड नेम्स बताती हूँ. ये है शेड गोल्ड डिगर, और उसके बाद मैं स्वाच अलग से, डे लाइट में, ब्राइट डे लाइट में इनके स्वाचेस फिल्म करके यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी कहीं पे, सो दैट आप देख सकें. ठीक है, फिलहाल मैं बस एक कलर की झलक दिखाती हूँ. इस कलर का नाम है गोल्ड डिगर. ये मेरा सबसे फेवरेट कलर है, अब तक मैंने जितने ऑर्डर किए हैं, और ये सबसे पहला था. बहुत ही ब्यूटीफुल, जो मुझे पहला पसंद आया था, और मैं बहुत ज़्यादा इसको वेयर करती हूँ अभी. ओ माय गॉड, मैं हिंदी में आ गई हूँ. आई हैव कम टू हिंदी. प्लीज़ डोंट माइंड यू गाइज, अभी मेरा सर भी दर्द हो रहा है. सो ये कलर था गोल्ड डिगर. ओके, नेक्स्ट कलर, अभी क्योंकि हिंदी में मेरा फ्लो बना है, चलो हिंदी में बोलते हैं. नेक्स्ट कलर था ये कौन सा कलर है नेक्स्ट, ऐसी जगह फिल्म कर रही हूँ. बिचेट है कि बिचेट है. ये इस तरह का कलर है, ये बहुत ही डार्क मरूनी कलर है, और थोड़ा सा इसमें मजेंटिश टिंज भी आता है. वैसे मैं आपको स्वाच इसके दिखा सकती हूँ. तो चलिए मैं पहले गोल्ड डिगर का स्वाच दिखाती हूँ. इसमें भी मेरे ख्याल से ठीक आ जाएगा.
गोल्ड डिगर बहुत ही प्यारा कलर है, रोजी पिंक कलर है। ओके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बेशेट का स्वाच। बेशेट या बेशेट। नेक्स्ट कलर जो लिपी स्टिक्स में मैंने मंगाया है वो है ये, जिसका नाम है कैंडी पेंट। मेरा फोन भी बज रहा है बहुत हल्का सा पीछे, तो वो ये कलर है कैंडी पेंट। आप देख रहे हैं गोल्ड डिगर और कैंडी पेंट कितने डिफरेंट हैं। ये काफ़ी पिंकी है, रोजी है, और ये थोड़ा ब्राउनिश टच में है, यू नो स्लाइट ब्राउन मिक्स है उसमें। और फोर्थ कलर लिपी स्टिक्स का जो मैंने मंगाया है वो है जिगी। जिगी दिस इज़ मोर ऑफ लाइक अ येलोई ब्राउन कलर, ब्राउन है उसमें हल्के येलो टिंट्स हैं। ये मैंने सोचा मैं अपनी मॉम को दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल सिमिलर कलर का वो है यू नो लिक्विड लिपस्टिक है फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। सो ये है चार कलर्स, गोल्ड डिगर, बिशेट, कैंडी पेंट एंड जिगी। ओके, तो ये चार कलर्स थे। सो ये इनका टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग है, बड़ी लाइट वेट होती हैं, ऐसे ग्लाइड कर जाती है एक बार में, इतना स्ट्रॉन्ग पिगमेंटेशन आता है, दो चार मिनट के बाद ये इतना बढ़िया सूख जाती हैं। मैट फिनिश है इनकी, वेरी मैट फिनिश, और इतना अच्छा ये लिप्स में स्टे करती हैं, खूब खाओ पियो उसके बाद भी काफ़ी देर तक स्टे करती हैं। बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, और बड़ी इकोनॉमिकल भी हैं। US डॉलर्स में तो ये शायद 6 या 7 US डॉलर्स की थी, 6.5 US डॉलर समथिंग, इंडिया में आई एम नॉट श्योर कितनी पड़ी, आप कैलकुलेट कर लो लाइक 400-500 रुपीज़। तो अगर इतनी बढ़िया क्वालिटी, और ये रखने में बहुत ईजी है, लाइट वेट है, बैग में चली जाती हैं, स्लाइड हो जाएंगी किसी भी क्लच बैग में, यू नो इस तरह की बल्की मोटी पैकेजिंग नहीं है जो कि बल्ज करती है बैग में से। तो ये बहुत ही मुझे बढ़िया चीज़ लगी, आई मीन इसके बहुत सारे शेड्स लेने चाहिए, सब कुछ तो इसमें बहुत अच्छा है, कन्वीनियंसी है, लिक्विड अपने लिपस्टिक अपने आप में बहुत अच्छी है, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, स्टेइंग पावर, पिगमेंटेशन, ये वो सब कुछ बहुत अच्छा है, और इसमें कोई भी टेस्ट या फ्लेवर नहीं है, तो ये अच्छी बात है, और कोई भी स्मेल एज सच मुझे इनमें नहीं आती, बिल्कुल लगता है कि कुछ वेयर ही नहीं किया हुआ, नथिंग इज़ देयर ऑन योर लिप्स, सो दैट्स ऑल्सो यू कैन से इट्स अ प्लस पॉइंट, यू नो। ओके, नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं अपनी कज़न से ये नया कलर पॉप का कलेक्शन, जो कि है लक्स लिपस्टिक्स। यू नो ये कलर पॉप लक्स लिपस्टिक्स होती हैं, और इसके वो रैंडमली उसने शेड्स चूज़ किए हैं, मैंने बस कहा मेरे लिए ले आना, तो वो मैंने एक्चुअली मंगाए थे लिपी स्टिक्स, पर वो आउट ऑफ स्टॉक थे, अल्टा पे भी आउट ऑफ स्टॉक थे, अल्टा और उल्टा दे वर आउट ऑफ स्टॉक इन सिफोरा एज वेल। सो आई थिंक माई कज़न वॉज इन पेंसिल्वेनिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शी वॉज इन दैट स्टेट, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, और शी टोल्ड मी दैट अल्टा, सिफोरा सब जगह ये लिपी स्टिक्स यू नो आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो ये नए लॉन्च थे कलर पॉप के, तो विच इज़ वाई शी गॉट दिस फॉर मी। तो जो शेड्स वो लेके आई है मेरे लिए, LA Lady। अच्छा मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, बिकॉज पैकेजिंग तो आपने देख ली, दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज लाइक। ओके, यहाँ पे शेड नेम डिस्प्ले होता है इस तरह से। तो ये है वो 6 लिपस्टिक्स, इसकी 6 लिपस्टिक्स आई हैं मेरे पास, 6 of them, जिनके शेड नेम्स यहाँ पर मेंशन हैं। तो पहला कलर है स्टिल क्रेजी, विच इज़ लाइक अ मॉवी पिंक कलर,
और ये बहुत ही सॉफ्ट है, आई मीन वो तो काफ़ी मैट और लॉन्ग लास्टिंग है लिपस्टिक्स, लेकिन ये काफ़ी क्रीमी और स्लाइटली वेलवेटी फिनिश है इनका। तो मैं स्वॉच करती हूँ सबसे पहले स्टिल क्रेजी। नेक्स्ट स्वॉच कहाँ गया? उसका कैप ढूंढ रही थी मैं। नेक्स्ट स्वॉच है ले ओवर। जो कि एक काफ़ी बेज कलर है, बेजिश पिंक। इट्स लाइक अ वेरी न्यूट्रल शेड, ग्रेट टू वेयर विद स्मोकी आईज एंड स्टफ, यू नो। सो ले ओवर। जितने भी आप ये मार्क्स देख रहे हैं मेरे हाथ पे, ये मेरी डॉटर ने मारे हैं, उसने स्क्रैच किया है मुझे काफ़ी ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है एलए लेडी। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डस्टी ब्राउन, डस्टी रोजी कलर। सो दिस इज एलए लेडी। नेक्स्ट इज ऑन रिपीट। सो दिस इज लाइक एन ऑरेंजी रेड, अ कॉरली रेड कलर, रादर इट्स लाइक अ कॉरल कलर। ऑन रिपीट, इट्स ब्यूटिफुल कॉरल रेड। नेक्स्ट इज ऑन डिस्प्ले। इट्स लाइक अ ब्राइट रेड कलर। पिंकिश रेड। सो दिस इज ऑन डिस्प्ले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वेरी फॉल कलर विच इज ग्रेट फॉर विंटर्स एंड इट इज कॉल्ड एज हेलो स्ट्रेंजर। सो आई एम गोइंग टू स्वॉच दिस, इट्स अ वेरी डार्क कलर। सो दिस कलर इज हेलो स्ट्रेंजर। नाउ दीज लिपस्टिक्स आर सो क्रीमी, अगेन पिगमेंटेशन इज ऑसम इन देम, जस्ट लाइक द लिपी स्टिक्स, यू नो। ऑब्वियसली दे हैव अ थिकर ट्यूब और अ थिकर स्टिक, यू नो, सो दे कैन कवर मोर एरिया ऑन योर लिप्स। दिस इज हाउ एवर ग्रेट फॉर प्रिसिजन एप्लीकेशन। एंड यू नो ओवरऑल दीज आर द कलर्स ऑफ द लक्स लिपस्टिक्स। दे फील लग्जोरियस एंड लाइक मॉइस्चराइजिंग, बट दे यू नो दे मूव अराउंड, दे टेंड टू जस्ट वेयर ऑफ वेरी क्विकली बिकॉज दे आर सो क्रीमी। दीज हाउ एवर हैव ग्रेट स्टेइंग पा, बट दीज हैव ग्रेट मॉइस्चराइजिंग अबिलिटी, बट यू हैव टू रीअप्लाई देम लाइक एवरी 3 to 4 hours बिकॉज, एंड दीज कैन लास्ट यू फॉर लाइक 6-7 hours, यू नो, इवन विद ईटिंग। ओके गाइज, सो दैट वॉज माई कलर पॉप लिपस्टिक्स हॉल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट बिलो, यू नो वॉट एल्स यू वुड लाइक टू सी। That's it, you know, and I'm going to catch you soon in another video. I have another makeup haul and then a skincare haul. So I've like I bought lots of products recently. So I want to film hauls of those products and like put them up for y'all to see. And then if you want to get a review of a particular product, like a detailed review, I'm going to film that video as well. I have got a request for reviewing the Body Shop coffee bean cream, green coffee bean cream, so I'll be filming that video. And then I've got a request for the, you know, Saint Botanica serum video, the serum, you know, how it fared on my skin after using it for like a long time. So I have been using it for a couple of weeks now and I think, you know, I can talk about it now. So yeah, that video needs to come up. So let me know if you have any requests for any particular videos, and I will see you in my next video. Until then, bye bye.